मान लीजिए आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेकिन जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं उस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं, बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, तो आप उनसे लड़ेंगे कैसे? आप किसी को कन्विंस कैसे करेंगे कि भैया जो एस्टेब्लिश प्रोडक्टर्स को छोड़ के इस नए प्रोडक्ट को चांस दो? तो बिरला ओपस पेंट्स जो लॉन्च हुए उसका मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था और मुझे बड़ा फैसिनेट किया। देखिए उन्होंने बेसिकली उसमें ये दिखाया है कि जैसे एशियन पेंट्स है, ड्यूलेक्स और पता नहीं कौन कौन से पुराने निपॉन विपॉन बहुत सारे पेंट वाले हैं, लोकल पेंट हैं, तो आप उनसे लड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने ये कहा कि रश्मिका मंदाना है एक एड में और एक में विकी कौशल है। तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, कोई आके पूछता है इनसे कि ये कौन सा पेंट कराया तुमने, तो कहता है बिरला ओपस कराया। तो कहता है कि अरे तो जो अभी तक चल रहा है वो क्यों नहीं कराया? तो पहले वो कहेगा ये दागों से बचाता है, वह कहेगा अरे इतनी देर में उसको दिखाएंगे कि वो आदमी जो है दूसरा वाला वो थोड़ा पुराने जमाने में चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया वो, फिर कहेगा लेकिन जो चल रहा है वही चलाना चाहिए था ना तुमको, फिर ये दूसरा को एडवांटेज बताएगा वो और पुराने जमाने में चलेगा, जो चल रहा है वो चलते देना चाहिए। तो बेसिकली पूरे टाइम वो एक इंटरेक्शन दिखा रहे हैं कि आप कितने भी एडवांटेज दिखा दो, कई लोग कहेंगे यार जो चल रहा था वो चलते रहने देना चाहिए था। फिर लास्ट में हीरो कहता है, हीरोइन कहती है कि कई लोग कभी मानेंगे नहीं, लेकिन नए जमाने के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है, ये जो उस प्रहार करती है उस मानसिकता पे कि नई चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए अगर एग्जिस्टिंग कोई लीडर है उस प्रोडक्ट में।